आइए दोस्तों, अब फिर से मैं आपको मदीने पाक की ज्यारत कराना मुनासिब समझता हूँ। इसके लिए मैं आपके दयारे पुरवहार और आपके इलाका के चहीते शायर जनाब हबीबुल रहमान साहब, खादिम मदरसा दारुल मुमिनात साथी, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ और उनका इस्तकबाल खुश आमदेद अहल व सहला स्वागतम इस शेर के साथ करना चाहता हूँ। एक बार थोड़ा सा मचल कर आप लोग कह दो सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। आपके चहीते शायर है तो थोड़ा सा मुझे लगना चाहिए कि आप उनको कितना फॉलो करते हैं और कितनी चाहत है आपके दिल में। शेर देखे हजरात के, फना इसके अहमद में हुआ हूँ क्या समझते हो, थोड़ा सा कह दो क्या समझते हो। तमामी आजाद बोले, अहले इस देश से भी तवज्जो चाहता हूँ कि फना इसके अहमद में हुआ हूँ क्या समझते हो, अरे हयाते दाइमी लेकर जिया हूँ क्या समझते हो। फना इसके अहमद में हुआ हूँ, इधर के लोग बिल्कुल खामोश हैं, ऐसा लग रहा है कि आप लोग कसम खा के आए हुए हैं या तो अपने बीबी से झगड़ा करके आए हुए हैं। महफिल में दो ही आदमी खामोश रहता है, जिसके मुंह में गुटका हो या जिसके दिल में खुटका हो। अगर इन दोनों चीजों में से कोई चीज नहीं है तो थोड़ा सा अपनी जबान को हरकत दे, और बिल्कुल आप लोग टेंशन में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आप लोग टेंशन को खत्म करें। इसलिए कि मुझे याद आता है कि इसको उल्फत का नशा कीजिए, इसको उल्फत का नशा कीजिए, अरे टेंशन हो तो बीड़ी पिया कीजिए, ऐसा मामला हो तो थोड़ा सा आप अलग जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। फना इसके अहमद में हुआ हूँ क्या समझते हो, हयाते दाइमी लेकर जिया हूँ क्या समझते हो। फरिश्ते जब पूछे मन रब्बू का मा दीनू का या हाफिज, तो कह देना गुलामे मुस्तफा हूँ क्या समझते हो, कह देना गुलामे मुस्तफा हूँ क्या समझते हो। अरे खुदा की बख्शिशों का वो बशर हकदार हो जाए, शहंशाह मदीने का जिसे दीदार हो जाए, लिपट कर दामन हजरत से दम मैं तोड़ दूं अपना, अगर जाना मदीने में मेरा एक बार हो जाए। आइए इसी के साथ साथ आपकी अदालत में जनाब शायर इस्लाम हबीबुल रहमान साहब। माज़ सामईन कराम, स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए कराम, सामईन बज़्म, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। माज़ सामईन कराम, वक्त की तंगी के मद्देनजर बिला किसी तमहीद के एक मतला दो शेर से मैं अपने शरी सफर का आगाज करता हूँ। एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिना वाला आलिही वसल्लिम तस्लीमा। एक मतला दो शेर से मैं फरमाने तमाम हजरात जी अनायत कीजिए के इल्म लाए हैं नूर लाए हैं, माशाल्लाह पूरा मजमा मचल के बोलते हैं सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह कि आप लोग बेदार हैं। के इल्म लाए हैं नूर लाए हैं, इल्म लाए हैं नूर लाए हैं, जिंदगी का शोर लाए हैं, जिंदगी का शोर लाए हैं, खुल्दे हक का पता दिया बहुत खूब लाजवाब शेर भाई। रंजिशों में सुरूर लाए हैं, रंजिशों में सुरूर लाए हैं,
हैं हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर नहीं भेजे गए बल्कि तमाम दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। उसके हवाले से ये शेर है समात माले जे इनायत के इल्म लाए है नूर लाए है जिंदगी का शोर लाए है नफरतों की उजड़ती दुनिया में 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 रहमतों 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 का जुहूर लाए रहमतों का जुहूर लाए हैं रहमतों का जुहूर लाए रंजिशों में सुरूर लाए हैं। आइए मोहतरम सामेने कराम एक मतला दो शेर और पढ़ता हूँ समात माले। जनाब हजरत मौलाना सदर आलम साहब और सदर जलसा जनाब हजरत मौलाना काजी निसार अहमद साहब से दुआ लेते हुए ये शेर पढ़ता हूँ समात जी साध हो इनायत के बूबकर हजरत उमर उस्मान गनी हजरत अली बूबकर हजरत उमर उस्मान गनी हजरत अली बूबकर ने सारी सदाकत समेट ली। पूरा मजमा लहक के बोल दो सुभान अल्लाह जोर से बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के बूबकर ने सारी सदाकत समेट ली हजरत उमर ने पूरी अदालत समेट ली हजरत उमर ने पूरी अदालत समेट ली उस्मान गनी ने सारी सखावत समेट ली उस्मान गनी ने सारी सखावत समेट ली माशाअल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे इंशाअल्लाह बूबकर ने सारी सदाकत समेट ली हजरत उमर ने पूरी अदालत समेट ली उस्मान गनी ने सारी सखावत समेट ली हजरत अली ने पूरी शुजाअत समेट ली कि महशर में महशर में आसिया की शफाअत के वास्ते शफाअत के वास्ते शफाअत के वास्ते आका आका ने अपनी कमली में उम्मत समेट आका ने अपनी कमली में उम्मत समेट ली माशाअल्लाह अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपकी मोहब्बतों को आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। यहाँ पे हमारे बिरादराने वतन भी तशरीफ रखते हैं और वार्ड सदस्य बिपिन राय साहब सुबूद मिश्रा साहब और प्रमोद पटेल साहब और दीगर हजरात जो बिरादराने वतन यहाँ पे तशरीफ रखते हैं उनके हवाले से एक मतला दो शेर पढ़ता हूँ और तमाम मजमा को शामिल करता हूँ इस शेर में समात फरमाइएगा। अगर अच्छा लगे तो भरपूर दुआएं मिलनी चाहिए इनायत कीजिए। चले आओ चले आओ चले आओ हमारे दोस्त हम खुशियाँ मनाएंगे
चले आओ हमारे दोस्त हम खुशियाँ मनाएंगे सब नफरत अदावत को दिलों से हम मिटाएंगे सब नफरत अदावत को दिलों से हम मिटाएंगे मुसलमान गले मिलकर के आपस में मोहब्बत हमें लाजवाब शेर शुक्रिया जज़ाकअल्लाह चले आओ हमारे दोस्त हम खुशियाँ मनाएंगे सब नफरत अदावत को दिलों से हम मिटाएंगे मुसलमान हो के हिंदू हो वो चाहे सिख हो ईसाई गले मिलकर ते आपस में मोहब्बत हम बढ़ाएंगे और बहुत ही तेजी के साथ मैं एक नारा लगा के जाना चाहता हूँ चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो ये सबका नारा रहेगा इंशाअल्लाह मैं पढ़ता हूँ कभी हमें अज़मत हिंदू सिता मिटे ने नहीं देंगे कभी हम अज़मत हिंदू सिता मिटे ने नहीं देंगे कोई पंजा मिलाएगा तो पंजा तोड़ डालेंगे कोई पंजा मिलाएगा तो पंजा तोड़ डालेंगे किसी ने भी अगर देखा इसे ललचाई नजरों से किसी ने भी अगर देखा इसे ललचाई नजरों से कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह की हम उसी की आंखें फोड़ डालेंगे कसम अल्लाह की हम उसी की आंखें फोड़ डालेंगे माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे हाफिज जहांगीर साहब वक्त की नज़ाकत है और वक्त की तंगी है इसलिए बहुत सारी फरमाइशें हैं मैं उसको पूरा नहीं कर सकता हूँ एक मतलब दो शेर पढ़ता हूँ समात माने उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा भोजपुरी में एक मतलब दो शेर समात माने तमाम इज़रा ये साथ हो तो छोड़ कर तो हेरा दर अरे ये समझ रहे हैं ना भोजपुरी सुनना चाहते हैं आप लोग तो हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो छोड़ कर तो हेरा दर छोड़ कर तो हेरा दर हम किधर जाइबे शायर कहता है कि ऐसन बाकी वैसन बाटे अर्श के जीना कैसन बा ऐसन बाकी वैसन बाटे अर्श के जीना कैसन बा आंख रही तो हमहू देखम शहरे मदीना कैसन शहरे मदीना को ध्यान में रखे और मेरा ये शेर समाप्त माए तो छोड़ कर तो हेरा दर हम किधर जाइबे छोड़ कर तो हेरा दर हम किधर जाइबे छोड़ कर तो हेरा दर हम किधर जाइबे हम पे कृपा न करबा तो मर जाइबे हम पे कृपा न करबा तो मर जाइबे अब न लनकन अब न लनकन न पैर से पतर जाइबे अब न लनकन न पैर से पतर जाइबे अब तो सीधे मदीना नगर जाइबे अब तो सीधे मदीना नगर जाइबे और बन मुलाजा फरमाले तमाम हजरात अब तो सीधे मदीना नगर जाइबे मानक जीवन है मो
के जीवन है मोरा बिखेरा, मानो मेरे दिल का चमन अभी उजेड़ा, मानो मेरे दिल का चमन अभी उजेड़ा। उनकी पड़ी है उनकी पड़ी है नजर तो सवर जईबे, उनकी पड़ी है नजर तो सवर जईबे, अब तो सीधे मदीना नगर जईबे, अब तो सीधे मदीना नगर जईबे। मेरे टाइम में से सिर्फ दो मिनट बचा है और दो फरमाइशें हैं, मैं एक फरमाइश को पूरा कर देता हूं जो बहुत ही मेरे अजीज हैं, वो बहुत दूर से यहाँ पे चल गया है, इमदाद साहब और सद्दाम साहब और मुजीबुर रहमान भाई धोबनी वृंदावन से चल गया है, उनके हवाले से जो फरमाइश किए हैं कि नामे है हबीब मदे है, अपना इंट्रोडक्शन करा के मैं अपनी जगह लेता हूँ, कि नामे है हबीब मदे है खानी सरकार हो, नामे है हबीब मदे है खानी सरकार हो, बिरदा बन माहे मोरा घरवा दुवार हो, बिरदा बन माहे मोरा घरवा दुवार हो, पुष्ट है मोरा धमोरा थन साथी बाजार हो, पुष्ट है मोरा धमोरा थन साथी बाजार हो, अजीला है बेतिया शहर सूबा बिहार हो, जिला है बेतिया शहर सूबा बिहार हो, और मोबाइल नंबर भी के 8176 11 4 6 0 8176 11 4 6 0 मोबाइल नंबर यारो है ये हमारे हो। अस्सलाम वालेकुम।